स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू बेटा? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड सेफ एट होम। गुड बेटा, हमारा जो फ्रैक्शन का चैप्टर चल रहा था वो हमने यही स्टॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो हाफ ईयरली सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया और जो ये फ्रैक्शन का चैप्टर है वो आगे के मंथ का है, नेक्स्ट मंथ का है। तो इसीलिए मैंने अब रिविजन स्टार्ट करने का, बेटा रिविजन स्टार्ट करा दी है और फ्रैक्शन का चैप्टर वही कंप्लीट कर दिया। आप बोलोगे मैडम हाफ ईयरली सिलेबस कैसे कंप्लीट हो गया, 20 चैप्टर है तो 10 तो कंप्लीट कराने थे और मेरा 10 वाला ही चल रहा है। तो बेटा सीबीएस बोर्ड से ये मैसेज आया है कि हमें अपना पूरे साल का यानी पूरे ईयर का हमें 70% सिलेबस रखना है मैथ्स का। तो 70% में हमारा कितना आ रहा है बेटा, 14 चैप्टर। 70% में हमारे 14 चैप्टर आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 7 चैप्टर हमारे हाफ ईयरली में आए ना, तो हमारे 7 चैप्टर तो कंप्लीट हो गए। तो इसलिए हम बेटा क्या करवा रहे हैं, आपकी रिवीजन। गॉट इट? आज हम जिस चैप्टर का रिवीजन करवा रहे हैं वो चैप्टर है हमारा रोमन नंबर्स। ओके, मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, फिर से रिपीट करवा रही हूँ। व्हाट इज रोमन नंबर्स? रोमन नंबर्स यानी काउंटिंग को रोमन नंबर्स में लिखना, हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन नंबर्स में राइट करना। और रोमन नंबर्स राइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 7 बेसिक सिंबल यूज करते हैं, बेसिक सिंबल यूज करते हैं, उससे हमारा पूरी रोमन नंबर्स में कोई भी काउंटिंग हम राइट कर सकते हैं। ओके, कौन से है हमारे 7 बेसिक सिंबल्स? 7 बेसिक सिंबल कौन से है बेटा? फर्स्ट वन को क्या बोलते हैं, आई, राइट? वन के बाद क्या आ गया हमारा, 5। 5 को क्या बोलेंगे बेटा, वी। उसके बाद है हमारा 10। 10 को बोलते हैं एक्स। 10 के बाद है हमारा 50। 50 को क्या बोलते हैं, एल। उसके बाद है बेटा हमारा 100। 100 को क्या बोलते हैं, सी। उसके बाद है हमारा 500। 500 को क्या बोलते हैं बेटा, डी। नेक्स्ट है हमारा फिर 1000, और 1000 को हम क्या बोलते हैं बेटा, एम। 1000 को हम क्या बोलते हैं, एम। बेटा ये हमारे 7 बेसिक सिंबल है जिससे हम कोई भी नंबर राइट कर सकते हैं। हिंदू अरेबिक का जो कोई भी नंबर हो उसे हम रोमन नंबर्स में राइट करेंगे, तो ये कोई ना कोई सिंबल हमारा यूज होगा, इनमें से कोई ना कोई सिंबल जरूर यूज होगा। इस सिंबल से, इन 7 सिंबल से हमारी पूरी काउंटिंग, पूरे रोमन नंबर्स राइट किए जा सकते हैं। तो हमें कितने याद रखने हैं, ये 7 बेसिक सिंबल्स। क्वेश्चन इसमें निकलता है, हाउ मैनी बेसिक सिंबल आर देयर, मतलब इनके कितने रोमन सिंबल्स होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 7। देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स। ओके, देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स। 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, राइट? अब रोमन नंबर्स की काउंटिंग देखो, हमें सिर्फ 10 तक रोमन नंबर आने चाहिए, फिर हमारी काउंटिंग अपने आप ही हो जाती है 10 तक। अच्छा, 1 को क्या राइट करेंगे, आई। 2 को 2 टाइम्स, 3 को 3 टाइम्स, 4 को 5 को, 5 का मतलब क्या होता है, वी। 5 मीनिंग वी। अब अगर 5 के इधर 1 लगाया तो ये माइनस होता है, 5 माइनस 1, यानी 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। 5 को क्या बोलेंगे, v। 1 को क्या बोलेंगे, i। v में से i कट हुआ तो क्या आ गया हमारा, 4, यानी i v। तो ये क्या है, इधर की साइड जब हम 1 लगाते हैं तो वो माइनस होता है, और हम इधर की साइड v के 1 लगाते हैं तो हमारा प्लस होता है। ओके, अब ये देखो v के ये कौन सा साइड है हमारा, राइट साइड। V के अगर हमने राइट साइड लगाया तो ऐड होता है, V के अगर लेफ्ट साइड लगाया तो माइनस होता है, बस इस चीज का ध्यान रखना। ओके, अब देखो इधर हमारे जो सिंबल्स थे, सिंबल्स को आप माइंड में रखो। ओके, ये माइंड में रहेंगे तो बेटा सब कुछ समझ में इजीली आ जाएगा। ओके, ये हमारे 7 बेसिक सिंबल्स हैं। अब देखो 5 को क्या बोलते हैं, वी। तो 4 को क्या लिखेंगे, V में से 1 कट, आई वी। ये तो मैंने बहुत टिप्सों पे रटवा रखी है आपको 10 तक। तो 6 को क्या बोलेंगे, 5 प्लस 1 6। 7, 5 प्लस 1 6 6 1 प्लस 7 8। 5 प्लस 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8। 9। अब यहां देखो कोई भी सिंबल 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं होता,
और थ्री टाइम्स सारे सिंबल्स भी रिपीट नहीं होते, थ्री टाइम्स सिर्फ क्या रिपीट होता है, या तो आई या फिर एक्स या फिर सी। ओके, ये सिंबल्स ऐसे हैं जो थ्री टाइम्स रिपीट होते हैं। बाकी आप यू सोचो कि वी 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 5, 10, 15 ये थ्री बार रिपीट होगा, नो ये रिपीट नहीं होते थ्री टाइम्स। बाकी ये जो आई है ये थ्री टाइम्स रिपीट होता है, फोर टाइम्स नहीं होता। थ्री टाइम्स हो गया 5, 6, 7, 8। क्या हम 9 को ऐसे लिखेंगे 5, 6, 7, 8, 9? फोर टाइम्स आ जाएंगे आई तो फोर टाइम रिपीट नहीं होता ना, तो हम क्या लिखेंगे 9। यानी ये 10 है हमारा, 10 में से 1 कट हुआ, 10 में से 1 माइनस किया तो 9 हुआ ना। और माइनस हम राइट साइड करेंगे या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। तो यहाँ 1 माइनस कर दिया तो ये क्या बन गया, 10 - 1 = 9। तो ये हमारा 9 का सिंबल है और ये हमारा 10 का सिंबल है। ये सिंबल याद हो जाते हैं, अगर हमें 10 तक के सिंबल लर्न हो जाते हैं तो हम किसी भी नंबर की काउंटिंग बना सकते हैं। 10 तक लर्न हो गए, उसके बाद फिर हमें क्या याद करना है, 20। 20 को क्या बोलते हैं, 10 + 10, 20 हो गया, 10 + 10 = 20। फिर 30, 30 क्या होगा, 10 + 10 = 20, 20 + 10 = 30, 30 हो गया। अच्छा 40 देखो, ऐसे लिखे 10 + 10 + 10 + 10, 10, 20, 30, 40, नो, फोर टाइम्स रिपीट हो गया। और मैंने क्या कहा, कभी भी कोई भी सिंबल फोर टाइम्स रिपीट नहीं होता, तो ये रॉन्ग है। 40 को क्या लिखेंगे, 50 में से 40 को माइनस, 50 में से 10 को माइनस कर देंगे, 40 आ जाएगा। 50 को क्या बोलते हैं, L। 50 को क्या बोलते हैं हम बेटा, L। L है। अब 50 में से कितने माइनस करेंगे जो 40 आ जाएगा, 50 में से 10 माइनस करेंगे तो ही 40 आएगा ना। और 10 का सिंबल क्या है, X। 10 का सिंबल X है ना, और माइनस इधर करें या इधर, लेफ्ट साइड होगा ना। तो 50 में से 10 माइनस किया तो बन गया 40। ये हमारा 40 का सिंबल है, ये 50 का सिंबल है। 60, 50 + 10 = 60, 70, 50 + 10 = 60 + 10 = 70, 80, 50 + 10 = 60 + 10 = 70 + 10 = 80, 90, अब क्या आ गया हमारा 90। अब ये देखो 50 + 10 = 60 + 10 = 70 + 10 = 80, क्या हम +10 लगा देंगे, नो, फिर वही x 4 टाइम रिपीट हो जाएगा और 4 टाइम तो होता ही नहीं कोई नंबर रिपीट। तो हम क्या करेंगे, 100 को क्या बोलते हैं बेटा, c। 100 को c बोलते हैं, और 100 में से 10 माइनस किया तो क्या आया, 90। ये हमारा 100 है, इसमें 10 माइनस कर देंगे तो माइनस राइट साइड या लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। ये हो गया 100 में से 10 कट हुआ तो 90, हमारा 100 का सिंबल ये हो गया सी। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यही सिंबल 100 तक याद होने चाहिए, 1 से 10 तक रोमन नंबर याद होने चाहिए, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 तक के ये सारे सिंबल्स लर्न होने चाहिए, फिर आपकी 100 तक रोमन नंबर इजीली हो सकता है, राइट। सिर्फ और आपका सिर्फ 100 तक आएगा, गॉट इट बेटा। बेटा मैंने क्या किया है, 1 से 10 तक रोमन नंबर राइट कर दिए, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इनके सिंबल राइट कर दिए। आपको सिर्फ इतना ही लर्न करना है बस, अगर आपको ये लर्न है तो किसी भी नंबर का आप रोमन नंबर राइट कर सकते हो, किसी भी हिंदू अरेबिक का। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो बेटा, मैंने आपकी एक्सरसाइजेज है हमारी 2, एक्सरसाइजेस 2 में हमें रोमन नंबरल को हिंदू अरेबिक को रोमन नंबरल में राइट करना है। ये क्या लिखा है मैंने, 44, क्या है ये, रीड बोल के बताओ, 44 यानी 40 और 4, यही है ना, 44। 40 को क्या बोलेंगे, आप इधर देखो 40 का सिंबल मैंने क्या राइट किया है, 40 का सिंबल है हमारा एक्सएल, राइट। 40 का सिंबल क्या है, एक्सएल। तो हमने यहां क्या लिख दिया, एक्सएल, 40 का सिंबल आ गया एक्सेल। उसके बाद क्या है, 44, इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, मैंने दिया 44, क्या बोलते हैं, 40 + 4, हो गया ना 44। 40 का सिंबल क्या बताया मैंने, एक्सेल, क्या है, एक्सएल, राइट। अब 4 का सिंबल क्या है, ये हमारा 4 का सिंबल है आई वी, तो ये क्या हो जाएगा, +IV, हो गया दोनों, 40 का सिंबल एक्सएल, 4 का सिंबल आईवी, इसी चार्ट में मिल गया, हमें याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमें ये चार्ट याद था बस,
ये चार याद है तो हमने इजीली लिख दिया, इसको कंबाइन कर दो, एक्स एल आई वी, ये हमारा बन गया 44। क्या बन गया ये हमारा 44। इसी तरह ही देखो बेटा, जैसे मैंने आपको दिया 78, क्या है ये, पहले पढ़ो इसे, क्या दिया है मैंने 78, क्या है ये 70 क्या बोलते हैं हम, 70 हो गया ना, 78 ये हमारा हो गया, 8 हो गया 78। 70 को क्या बोलते हैं, ये हमारा सिंबल राइट कर रखा है हमने, 70 को क्या बोलते हैं, एल एक्स एक्स, तो 70 का सिंबल है एल एक्स एक्स, प्लस 8 का सिंबल क्या है, वी आई 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 ट्रिपल आई, वी 1 2 3 थ्री टाइम्स आई। अब इसको कंबाइन कर दो, एल डबल एक्स वी आई आई, ये हमारा बन गया 78। 50 60 70 फिर 8 78। फिर से देखो एक बार, मान लो मैंने आपको दिया 85, क्या दिया बेटा 85, ये हो गया 85 प्लस में 5, 85 राइट, 85 है ना ये, 80 प्लस 5 85, 80 को क्या बोलेंगे हम, एल ट्रिपल एक्स, एल ट्रिपल एक्स, ओके एल ट्रिपल एक्स प्लस 5 को क्या बोलेंगे, वी, 5 को क्या बोला, वी, इसको कंबाइन कर दो, एल ट्रिपल एक्स वी, हो गया हमारा 85, हो गया ना हमारा 85। अगर मैंने आपको दिया 92, क्या दिया 92, 90 प्लस 2 यानी 92, ये 92, 90 को क्या बोलते हैं, एक्सी, 90 को क्या बोला, एक्सी, प्लस में 2 को क्या बोला हमने, 2 टाइम्स आई, 1 2 राइट, इसे कंबाइन कर दिया एक्स सी आई आई राइट। फिर से एक और देखो, मैंने आपको दिया मान लो 16, क्या है ये 16, 10 प्लस 6 16 राइट, 10 प्लस 6 16 को क्या बोलते हैं हम, x, 10 को क्या बोलते हैं x, और 6 को क्या बोलते हैं v i, v i, इनको कंबाइन कर दो x v i, क्या हो गया हमारा 10 प्लस 5 15 15 प्लस 5 1 16, हो गया 16। अब ये तो था हमने हिंदू अरेबिक को रोमन नंबर में राइट किया था, क्या किया, हिंदू अरेबिक को रोमन नंबर में राइट। अब रोमन नंबर को हिंदू में राइट करना है, रोमन नंबर को हिंदू में राइट करना है। अब देखो आप, मानो मैंने आपको दिया, ठीक है ये दे दिया मैंने, आप देखो x मीन्स 10, फिर इसका x मतलब फिर 10, आप यू देखो ना, क्या मैंने ट्रिपल x कहीं लिखा हुआ है, लिखा है ट्रिपल x, 30 को क्या बोला 3 times x, ठीक है 3x का मतलब 3 times x, 3 times x हो गया, हो गया प्लस 2, दो ये आई आई को क्या बोलते हैं 2, क्या हो गया 32। फिर से देखो आगे, मैंने आपको दिया मान लो बेटा राइट, कितने टाइम एक्स है 2 times यानी 20, तो ये 20 का 2 हो गया, या आप लिख दो 20, ठीक है फिर v क्या है 5, तो कितना हो गया ये हमारा 25, ओके। जैसे मान लो मैंने आपको दिया, फिर से देखो मैंने आपको दिया राइट, अब देखो एल एक्स एक्स किसका सिंबल है, एल डबल एक्स, एल मीन्स 50 और 2 times x मतलब 20 राइट, 50 60 70 ये दे रखा ना 50 60 70 एल फिर डबल एक्स, ठीक है ये एल को क्या बोलेंगे हम 50, 50 में 10 प्लस किया 60, 60 में 10 प्लस किया 70, ठीक है ये हमारा क्या आ गया 70 प्लस v को क्या बोलेंगे, 20 में से है 1 to 10 में से, तो v का क्या हो गया 5, v का 5 है, तो कितना हो गया बेटा 70 प्लस 5 75। फिर से देखो एक बार और, मान लो मैंने आपको दिया x c राइट, अब x c क्या है हमारा, x c किसका सिंबल है, c मीन्स 100 और 100 के लेफ्ट साइड में x है यानी माइनस x हो गया, 100 में से माइनस x किया तो कितना आया 90, तो ये हमारा किसका सिंबल है 90, और ये किसका सिंबल है 5 6 7 8 प्लस में 8, तो क्या आ गया बेटा ये हमारा 98। हमें ये सिंबल अगर याद है रोमन के हिंदू और हिंदू का अरेबिक, सॉरी हिंदू का रोमन नंबर्स, तो हम इजीली इसको
इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर से देखो, मान लो मैंने आपको दे दिया बेटा एल एक्स आई एक्स, ओके एल एक्स आई एक्स, एल मीनिंग 50, एक्स मीनिंग 10, 50 प्लस 10 60। आप कहोगे मैडम 50 प्लस 10 60 प्लस 1 61 प्लस 10 71। आप तो ऐसे ही करोगे ना कि मैडम ने तो ऐसे करना बताया है तो ऐसे करो। नहीं बेटा, आप खुद एक चीज देखो, एल मीनिंग 50, एक्स मीनिंग 10 हो गया। यहां एल प्लस एक्स 60, इसका सिंबल देखो, क्या एल एक्स आई एक्स कोई सिंबल है? नहीं है। पहले एल एक्स का सिंबल दे रखा है ना, एल मीनिंग 50, एक्स मीनिंग 60, इसको डिवाइड कर लो। और ये 1 टू 10 में से काउंटिंग है, तो ये क्या हो गया 50 प्लस 10 60, प्लस में आई एक्स क्या है हमारा 9, आई एक्स क्या है 9, 60 प्लस 9 क्या हो गया हमारा 69। गॉट इट बेटा? जैसे मैंने आपको दिया एल 111, राइट? आपको ये बताना चाहिए, ये तो 1 टू 10 में से सिंबल दिया हुआ है, 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग के बीच के सिंबल है, 3 का सिंबल है। और L को क्या बोलेंगे हम, 50, 50 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 53, राइट? बेटा कुछ भी नहीं है, हमें 1 से 10 तक के सिंबल लर्न करने हैं, और 20 से 100 तक के सिंबल, सिर्फ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक के सिंबल याद करने हैं। अगर ये चार्ट इस तरह हमें लर्न हो जाता है तो कोई भी नंबर आ जाए 100 तक का, हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन हमारा हमेशा याद रखना कि हमारे रोमन नंबर्स के बेसिक सिंबल कितने होते हैं, 7। उन 7 सिंबल में से ही ये नंबर सारे बनाए जाते हैं, यानी उसके द्वारा ही राइट किए जाते हैं। गॉट इट बेटा? थैंक यू सो मच।